देखिए आज हमने पार्टी को बुलाया था, इसमें 14 लोग नामजद हैं और ये मामला हमारे सामने ईटीवी भारत के माध्यम से हमारे पास आया और हम लोगों ने इसमें इनिशिएट करते हुए, क्योंकि बहुत ही शॉकिंग था हम लोगों के लिए कि इस प्रकार की घटना राजस्थान में हो रही है, आज भी वर्जिनिटी टेस्ट होती है, सुन के बहुत ही चौंकाने वाला था। अब वो लोग आए नहीं हैं, या तो वो डर गए हैं या अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा होता है। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि नेक्स्ट तारीख उनको दी है जो जरिए पुलिस हाजिर करवाएंगे हम अपने यहाँ, और फिर सख्त कार्रवाई, क्योंकि आयोग के तारीख पे उपस्थित नहीं होना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है बिना कारण बताए। तो दो चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं इसके लिए ईटीवी भारत को बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सोसाइटी के इस प्रकार की घटना को उन्होंने उजागर किया है और इसको हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। इसमें आप लोग का भी सहयोग है और हम लोग भी आयोग की तरफ से भी एक टीम गठित की गई है। मैं सांसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष सवाई सिंह मालावत हूँ और मैं रिटायर PRO भी हूँ। 40 साल जनसंपर्क विभाग में नौकरी की है और 2 साल लोकपाल भी रहा हूँ झुंझुनू में। आपने ठीक कहा कि सांसी समाज में काफ़ी बुराइयाँ हैं और आज भी उन बुराइयों के कारण से बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। महिलाओं को विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटी बच्ची जब शादी करते हैं, मान लो 18 साल के बाद में, और जब बच्ची को ससुराल वाले ले जाते हैं तो दूसरे दिन कुमारी परीक्षण की एक वर्जिनिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो प्रथा हमारे यहाँ समाज में अभी भी घर की हुई है और उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हम लोग गत 6 महीने से इस अभियान में लगे हुए हैं इस प्रथा को बंद किया जाए। एक ऐसी प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन पहले हमारे समाज में जागरूकता ना होने के कारण महिला आयोग तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अब हमारे लोगों में कुछ बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं वो समझ चुके हैं कि इस कुप्रथा से हमारे समाज का एक भला नहीं हो पा रहा है और हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर एक कुंठारघात हो रहा है, जिससे कि हमारे समाज की महिलाओं को आए दिन कुछ ना कुछ गलानी से, कभी महिला मृत्यु को गले लगा रही है, कभी किस महिला को क्या हो रहा है, कभी किस महिला को क्या।